बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। एंड हाउ योर स्टडीज गोइंग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने लेक्चर्स को डेली बेसिस पर अटेंड कर रहे होंगे एंड डेली आप लोग अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। लास्ट लेसन में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा था। आप में से कोई बता सकता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द फॉर्मेट स्पेसिफायर? Yes, the format specifier specify the format in which the value of variable should be display on screen. यानी कि जिस फॉर्मेट में आप अपना डिस्प्ले करवाना चाहते हो स्क्रीन पर, वो फॉर्मेट पर्टिकुलर वेरिएबल या करेक्टर के साथ हम डेवलप करवाते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? हम उनको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कहते हैं। आपके पास पेज नंबर 164 पर आपके पास एक लिस्ट मैंशन है जिसमें आपको डिफरेंट डेटा टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर गिवन है। हेयर वी हैव द लिस्ट ऑफ दीज डेटा टाइप। ठीक है कि ये हमारे पास डेटा टाइप है और ये उन डेटा टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये लर्न कर लिए होंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। MCQs में ये आपके पास डेटा टाइप और उसके बाद आपको ये सिम्बल्स आपको दिए जा सकते हैं। यू हैव टू ऑल नो अबाउट दीज सिम्बल्स। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे एंड दैट इज़ अबाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर। के साथ ही हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि जब भी हमारे पास कोई इंटीजर में हमने वैल्यू स्टोर करवानी होती है, अगर मैं कोई इंटीजर की वैल्यू स्टोर करवाना चाहूँगी, तो हम जब इंटीजर की वैल्यू स्टोर करवाने के लिए कौन सा हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं? वी यूजिंग परसेंट डी। अब मैं आपको सपोज करवाती हूँ कि हमारे पास ए की वैल्यू है 2। ठीक है, या हम लेते हैं 29। ए की वैल्यू हमारे पास है 29। तो 29 को अगर मुझे डिस्प्ले करवाना है तो दैट इज़ इंटीजर। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? हमारा स्टेटमेंट फंक्शन हम इस तरह राइट करेंगे, परसेंट ए परसेंट डी कॉमा ए। यानी कि जो ए की वैल्यू होगी वो परसेंट डी के साथ क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी आपके पास। इसी तरह हमने पढ़ा था। अब हम जो फील्ड विड्थ स्पेसिफायर पढ़ेंगे, व्हाट इज द फील्ड विड्थ स्पेसिफायर? इन सी प्रोग्राम द नंबर ऑफ कॉलम यूज टू डिस्प्ले अ वैल्यू ऑन स्क्रीन इज रेफर्ड टू फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। अब ये होता किस तरीके से है कि ये हमारे पास है कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, अब आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स में आपके पास हो रही है। ठीक है, ये इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं स्क्रीन के। अब हमने जब ये 29 टाइप किया तो जब परसेंट डी और ए ये जब उसको फॉर्मेट मिला तो उसने क्या किया, इस कॉलम में फर्स्ट कॉलम में 29 और इस तरह उसने एक कॉलम में 2 और एक कॉलम में 9 उसने डिस्प्ले करवा दिया स्क्रीन पर। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो 29 जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब हम पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉलम में हम अपना डेटा को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। ठीक है, अब देखो कैसे होगा ये। अब कितने कॉलम में मैंने प्रिंट करवाना है? 1 2 3 4 5। यानी कि मुझे 5 स्पेसिस को मुझे प्रिंट करवाना है ये। अब ये किस तरह हम इसको राइट करेंगे? इसको राइट करने का मेथड है, हम लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंट। ठीक है, उसके बाद हमने कितने कॉलम रिजर्व किए? 1 2 3 4 5। हमने 5 कॉलम रिजर्व किए तो दैट इज़ 5D इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा और ए। अब ये क्या होगा, क्या करेगा कि हमारे पास 5 कॉलम्स को रिजर्व कर देगा और बाकी वो यानी कि हमारे जो लेफ्ट साइड से हैं वो उन कॉलम्स को छोड़ देगा और लास्ट के 2 कॉलम्स से आपको राइट कर देगा। सेम हमारे पास एक और मैं आपको बताती हूँ, अगर 25 है, ए इक्वल टू 25। ठीक है, मुझे ये मेमोरी में इस तरह राइट करवाना है 25। जब मुझे इस तरह प्रिंट करवाऊँगी मैं तो आप लोग मुझे बताएंगे इसने मेमोरी में स्क्रीन में कितनी जगह रिजर्व करेगा ये? 1 2 3 4। तो इसको कैसे हम राइट करेंगे? प्रिंट एफ परसेंट, अभी कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैं क्या राइट करूँगी? 4D एंड कॉमा ए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे।
आप लोग पेज नंबर 166 ओपन करें अपनी बुक्स में, तो आपके पास यहाँ पर बुक में डिफरेंट एग्जाम्पल डिस्प्ले है। हम ये एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू है 786। अब हमने उनको पर जो फॉर्मेट स्पेसिफाई दिया है परसेंट 4D, इसका मतलब है कि हमारे पास कितने ही इसने वैल्यूज रिजर्व करनी है, इसने 4 वैल्यू रिजर्व करनी है। तो वो क्या राइट करेगा, वो राइट कॉलम में 687 टाइप करेगा और जो 4th है उसको उन्होंने स्पेस छोड़ देनी है। ये स्पेस को हम शो करते हैं बॉक्स में, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये बॉक्स नहीं नज़र आएगा, लेकिन हमने जब हमें सॉल्व करने के लिए देंगे तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, ये आपके पास बॉक्स शो करवाना पड़ेगा कि ये जगह एम्प्टी है। ठीक है, अब इसी तरह हम यहाँ पर भी एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। हमारे पास क्वेश्चन है दैट 786, ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, इसको मैं देती हूँ पर्सन 5D। अब हम इसको कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, ये डिस्प्ले कैसे होगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर, 7, 6, 8, 7 और कितने जगह रिजर्व है, 5, लेकिन हमने कितने अभी तक यूज़ किए, 1, 2, 3, तो 4 एंड देन 5। अब 786 ही है और मैं इसको पर्सन 6D करवाती हूँ, तो ये कैसे रिजर्व करेगा, 6, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, और अगर मैं कहती हूँ पर्सन डी 1D, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 डिजिट को स्टोर करवाएगा, ये 786 पूरा यहाँ पर राइट कर देगा। ये कभी भी आपके पास डिजिट्स को कम नहीं करता है, रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, अगर आप इसको 2D भी राइट करेंगे तो तब भी ये क्या प्रिंट करेगा, ये आपके पास 786 ही आपके पास प्रिंट करेगा। ठीक हो गया, हम एक और अब माइनस की एक एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लें। अगर मैं लिखती हूँ -786, अब ये माइनस भी एक करेक्टर है। अगर मैं राइट करती हूँ पर्सन 5D, तो इसको कैसे डिस्प्ले करवाएगा, 6, 8, 7 और उसके बाद माइनस, अब कितने हमारे पास रिजर्व है, हमारे पास 5, हमने कितने यूज़ किए, 1, 2, 3, 4, तो जो लास्ट वाला होगा वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, यानी कि बॉक्स आ जाएगा। अगेन एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, नंबर यही है हमारे पास। अब आप लोग मुझे बताएगा पर्सन 6D वैल्यू राइट करें, 6, 8, 7 माइनस, कितनी जगह हमने रिजर्व की है, 6, यूज़ कितने किए, 1, 2, 3, 4, कितने बॉक्सेस आएंगे, कितनी स्पेसेस आएंगी, 1 एंड देन 2। इफ़ आई राइट परसेंट 2D, तो ये क्या राइट करेगा, -786, इसको रिड्यूस नहीं करेगा वो। गॉट इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MCQs में, ये लाजमी है, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है आपके पास। अब फील्ड में स्पेसिफायर में अभी तो हमने बात की सिर्फ इंटीजर्स की, ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास इंटीजर्स होते हैं नंबर्स और दूसरे हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, फ्लोट के। इंटीजर की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लोट की। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग फॉर्मेटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की, यानी कि हमने फील्ड स्पेसिफायर अभी इंटीजर के लिए पढ़ा, अब हम फ्लोटिंग पॉइंट के लिए डिफरेंट होता है। फ्लोटिंग पॉइंट के जो हम फॉर्मेट यूज करते हैं, डेट होता है पर्सन m.nd, हम ये फॉर्मेट यूज करते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में हमारे पास क्या होता है कि जो पॉइंट के बाद ये आपके पास है, ये शो करता है कि आपके पास जो डेसिमल नंबर है उसके बाद कितने कैरेक्टर आने चाहिए, सॉरी यहाँ पर f आ जाएगा क्योंकि ये फ्लोटिंग नंबर है ना। और ये m का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स आएंगे, ये आपके पास शो करता है कि टोटल आपके पास कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है, और ये शो करेगा कि डेसिमल में, डेसिमल के बाद आपके पास कितने कैरेक्टर आने चाहिए। अब हम इनकी भी इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स। हमारे पास पेज नंबर 165 है, मैं आपको यहाँ पर एक राइट करके दिखाती हूँ। इफ़ आई राइट माइनस, पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, 0.123, ठीक है, मैं ये राइट करती हूँ आपके पास वैल्यू। अब मैं यहाँ पर देती हूँ पर्सन 6.2F। अब ये कैसे प्रिंट करेगा, पॉइंट के बाद, पहले सबसे पहले आप पॉइंट को देखिए, पॉइंट के बाद दो डिजिट्स, हमने पॉइंट के बाद दो डिजिट्स ले लिए, 1, 2, इसलिए डिस्प्ले करवाएगा पॉइंट, पॉइंट को भी कंसिडर करेंगे 1, 2।
टोटल कितने डिजिट्स हमें शो करने हैं? 6। ये टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स को शो करेगा कि टोटल हमने कितने डंबर्ड को डिस्प्ले करवाना है, कितने कॉलम हमने यूज़ करने हैं। अभी हमने कितने कॉलम यूज़ किए? 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बाद आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्योंकि हमारे पास आगे कोई डिजिट नहीं है तो हमने वो क्या दे दी? स्पेसेस दे दी। एक और एग्जांपल हम देख लीजिए, यहाँ पर 3.14159, ठीक है, ये हमारे पास नंबर है। इसको हमारा जो फॉर्मेट है वो है %4.2f। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लेने हैं? 2 लेने हैं। तो पॉइंट के बाद दो डिजिट्स ही हो गए हमारे पास, हमने राइट किया 1, 4। उसके बाद आ जाएगा पॉइंट, देन 3। टोटल हमें कितने रिजर्व करने हैं? 4। अब काउंट करें 1, 2, 3, 4, 4 रिजर्व हो गए, दैट्स इट। अब यही नंबर है हमारे पास और हम इसको राइट करते हैं %5.1f। अब आप देखिए पॉइंट के बाद मुझे कितने डिजिट्स चाहिए? 1, तो 3.1, तो यहाँ पर लूँगी मैं 1 पॉइंट, ये 4 नहीं आएगा ना, 1 पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट आएगा तो हमसे 1 लेंगे पॉइंट। टोटल कितने हैं? 5 डिजिट्स हैं। अभी हमने कितने यूज़ किए? 1, 2, उसके बाद आ जाएगा 3। अब कितने यूज़ हुए? 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। गॉट इट? एक और एग्जांपल देख लिया हमारे पास, %8.5f। अब आप मुझे बताएं पॉइंट के बाद कितने हमें चाहिए? 5 डिजिट्स चाहिए और हमारे पास टोटल कितने हमारे पास चाहिए? 8 हमारे पास चाहिए। अब हम काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि उन्होंने कहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे 7। अब उन्होंने 8 की जगह रिजर्व की है तो हमें कितनी जगह में हमने अभी यूज़ किए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन 8, ठीक है। और अगर मैं माइनस की बात करूँगी तो माइनस में भी आपके पास ये होगा कि माइनस का साइन भी एक जगह रिजर्व करेगा, ठीक है, ठीक है, माइनस का साइन भी एक जगह रिजर्व करेगा। तो अगर माइनस का साइन यूज़ करोगे तो यहाँ पर माइनस का साइन भी आ जाएगा, ठीक है। एक माइनस का क्वेश्चन देख लें हमारे पास, एक हमारे पास वैल्यू है -25.41। अब हमने इसका यूज़ करना है %6.2f। तो इसको हम कैसे करेंगे? पॉइंट के बाद दो डिजिट्स चाहिए हमें, तो पॉइंट के बाद 2 आ गए डिजिट, पॉइंट आ गया 3, टोटल हमने कितनी रिजर्व करनी है? 6। अभी तक हमने कितनी किए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अच्छा, एक और भी आपको मैं बात बता दूं कि अगर हमारे पास हम जैसे कोई नंबर हम कंसीडर कर रहे हों, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 0.678। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने इसको यूज़ करना है %3.2f। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? पॉइंट के बाद 2, तो ये मैंने 2 डिजिट्स ले लिए। तो जो ये 8 है आपके पास, देखेंगे ग्रेटर है तो ये वाली वैल्यू राउंड ऑफ हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 86.0, ठीक है। ये इस तरह राइट करेंगे अगर हम जो डेसिमल नंबर कंसीडर करेंगे उसके आगे वाला नंबर अगर हमारा 5 से ग्रेटर होगा तो हम यहाँ पर वैल्यू को क्या करेंगे? राउंड ऑफ करके राइट करेंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी गर्ल्स। सो दैट्स योर होमवर्क, यू हैव टू प्रैक्टिस पेज नंबर 166 एंड 167 पर। आपके पास जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड कि आपके पास जो टेबल गिवन है आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है और आपने उनको खुद से सॉल्व करना है और फिर आपने मैच भी करना है कि आपके जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो प्रॉपर आए हैं कि नहीं आए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्सरसाइज में गिवन है आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है उनको भी सॉल्व करेंगे। टिल दैट अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।